हेलो फ्रेंड्स, मम्मी पापा की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मटर के समोसे बनाएंगे और वो भी मैदे की जगह हम आटे का यूज़ करेंगे, जिसके लिए मैंने एक कटोरी आटा ली है, अजवाइन, नमक और ये मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर दिया है, बिल्कुल जिसको हम हाथ से छू सकते हैं। ये सर्दी है, सर्दी की वजह से मैंने थोड़ा पानी गर्म किया, अगर गर्मी हो तो कोई आवश्यकता नहीं है। और ये मौन लगाने के लिए देसी घी। अब हम सबसे पहले इसका आटा लगा लेते हैं। आटा में जैसे मट्ठी का आटा होता है सख्त, वैसा आटा लगाना है। आटे को आप बिल्कुल ऐसे अच्छी तरह मसल मसल कर गूंदें, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे और मोइन अच्छी तरह आटे में मिक्स हो जाएगा। अब आप इसमें मुट्ठी बांध के देख लें ऐसे। अब ये परफेक्ट मुट्ठी बन रही है, इसलिए हमारे को और मोइन की आवश्यकता नहीं है। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मोइन का यूज़ किया है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा और डाल लें, लेकिन मुट्ठी बांध के ज़रूर देखें, यही इसकी निशानी है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और आटा लगा लें। मैदे से ज़्यादा आटे के समोसे हेल्दी रहते हैं, इसलिए आप भी मैदे की जगह आटे का यूज़ करें। आटे के समोसे बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं और मैदे से कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आता, बल्कि आटे के समोसे ज़्यादा कुरकुरे और अच्छे बनते हैं और खाने में भी हेल्दी रहते हैं। आटा हमने बहुत अच्छे से गूंद लिया है, ये मैंने बिल्कुल सख्त डो लगाया है और अब हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, तब तक हम इसकी मटर की फिलिंग बना के रख लेते हैं। फिलिंग के लिए मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है और मसालों में ये जीरा, एक कटोरी मटर, धनिया पत्ती। मसाले सब आप अपने स्वादानुसार यूज़ करें। हरी मिर्च, अदरक, चाट मसाला, धनिया पाउडर, नमक, सौंठ पाउडर, लाल मिर्च और हींग। अब मैं इसकी फिलिंग बना रही हूँ। पहले जीरा डाल दें, हरी मिर्च, अदरक, ये सारे मसाले स्वाद अनुसार। अब इसमें मटर थोड़ा सेक लें। अब इसमें हल्का सा 1 चम्मच के लगभग पानी डाल दें, जिससे कि अच्छे से पक जाए। मटर बहुत अच्छे से पक गए। अब मैं फिलिंग को करूंगी ठंडा, फिर हम समोसों में भरेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल दें। फिलिंग भी तैयार हो गई है, आटे ने भी रेस्ट कर लिए। अब हम समोसे बेलना शुरू करते हैं। आटे को मैंने 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिए। अब मैं इसकी एक बड़ी सारी रोटी बेल लूँगी। ज़्यादा पतली नहीं करनी और ना ज़्यादा मोटी करनी है, बिल्कुल मीडियम रखूँगी। रोटी बिल गई है, अब इसके 2 पार्ट कर लें और इसके बराबर 2 समोसे बन जाएंगे। अब इसको एक को हाथ पे ले लें और ऐसे इसके ऊपर ये पानी, इसके किनारों पे ऐसे पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद इसको ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे चिपका दें और नीचे से भी।
अब हम इसमें ये जो हमने मटर की फिलिंग बनाई है इसको भर देंगे। किनारे पर पानी लगाएं और फिर से इसको अच्छे से बंद कर दें। आप देख सकते हैं हमारा कितना बढ़िया समोसा बन गया। ऐसे ही मैं सारे समोसे बना लूँगी और फिर अब इनको डीप फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया, अब हम समोसों को फ्राई करेंगे। ये लो टू मीडियम फ्लेम पर ही तले, तभी समोसे अच्छे कुरकुरे बनेंगे। शानदार क्रिस्पी समोसे, वो भी अट्टे के, हेल्दी बनकर तैयार हैं। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और मम्मी पापा की रसोई को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।